हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। तो हम इस लेक्चर में देखेंगे फंजाई के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो फंजाई में क्या है, मशरूम्स आते हैं, ईस्ट आते हैं, मोल्ड्स आते हैं, ये फंगस आपका फंजाई में आते हैं। फंजाई क्या होते हैं, यूकेरियोटिक सेल से बने होते हैं, मतलब इनके अंदर जो सेल की न्यूक्लियस जो होते हैं, 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। दूसरा क्या है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं आपका, मतलब एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। इनका जो सेल वॉल है वो किससे बना होता है, काइटिन नाम का एक प्रोटीन होता है, उससे आपका सेल वॉल बने होते हैं। और ये न्यूट्रिशन बाय द हेल्प ऑफ डीकम्पोजिशन से करते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ फंजाई जो है एक अच्छे फंजाई आपका है, कुछ फंजाई जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उसको बोलते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, जिसको हम लोग बोलते हैं सिम्बियोन्ट्स। तो जो फंजाई एक दूसरे ऑर्गेनिज्म जुड़ा हुआ है और इससे दोनों का बेनिफिशियल हो, मतलब क्या हुआ, जो जुड़ा हो उसका बेनिफिशियल हो, और मतलब ठीक है। तो जैसे आपका ऐसे फंजाई जो दोनों म्यूचुअल बेनिफिट हो एक दूसरे से, उसको बोलते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशंस, और इसको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। इसको जो जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, सिम्बियोन्ट। जो दोनों फंजाई को हम क्या बोलते हैं, सिम्बियोन्ट्स बोलते हैं। कुछ फंजाई जो हार्मफुल रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब क्या अगले का नुकसान होता है, ठीक है, ऐसे फंजाई को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फंजाई को पैरासाइट्स बोलते हैं। तो अगर नुकसान वाला फंजाई तो उसको पैरासाइट बोलेंगे, और अगर अच्छा फंजाई उसको क्या बोलेंगे, सिम्बियोन्ट्स बोलेंगे। ठीक, चलिए अब इसके अंदर क्या होता है, फंजाई के अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक फिलामेंटस ट्यूब होते हैं, उसको हम लोग हाइफा बोलते हैं। तो वो क्या करता है, एब्जॉर्ब मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है आपका। नेक्स्ट जो है, जब बहुत सारे कलेक्शन ऑफ हाइफा जब एक साथ कलेक्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। तो व्हेन द मोर नंबर ऑफ हाइफा कलेक्ट टुगेदर इट फॉर्म माइसीलियम, ठीक है। और ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स। तो हमारे इस लेक्चर में बस इतना ही था फंजाई के बारे में। फर्दर लेक्चर हम डिस्कस करेंगे इसके फर्दर टॉपिक के बारे में। तो थैंक यू।